यहाँ की जो वास्तव में इंदौर विधानसभा क्षेत्र मांग एक में सर्वाधिक गंदी बस्तियां हैं झुग्गी झोपड़ियां और अवैध कॉलोनियां, और यहाँ पे अवैध कॉलोनाइजरों द्वारा प्लाट काट दिए गए और गरीब जनता के द्वारा प्लाट खरीद लिए गए। वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, और जब से मैं चुनाव जीता हूँ लगातार हमारा प्रयास है कि यहाँ पर जनता को जो मूलभूत सुविधाएँ वो सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ, उसी को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमने 10 वर्षों में बहुत विकास किया है इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और फिर से जो बचे हुए काम उसको हम पूरा करेंगे, उसी लक्ष्य को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। एससी एसटी एक्ट से कितना फर्क पड़ेगा दोनों पार्टियों में? यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर उसका कोई असर नहीं है। क्या लगता है इस बार का नारा सक्सेसफुल होगा? अब की बार 200 पार जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया वो 100% पूरा होगा, और जिस तेजी के साथ हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर विकास कार्य हुआ है वास्तव में उससे जनता प्रसन्न है। एक बार समय था जब यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, किंतु अब यह प्रगतिशील राज्य के रूप में जाना जाता है, और अनेक कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने लागू की, और उसका सीधा सीधा फायदा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मिला है। और जनता के दिलों में राज करने वाले शिवराज सिंह जी चौहान फिर से 200 सीट उनके नेतृत्व में जीत के वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। छोटे छोटे मुद्दे हैं जो हमारे को, एक तो ये है कि जो मेरा लक्ष्य था कि बाणगंगा जो हॉस्पिटल है वो 100 बेड का हो, अभी 30 बेड का हुआ है, उसको हमको 100 बेड का करना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो जैसा मैंने बताया कि अवैध और गंदी बस्तियाँ हैं, तो कॉलोनाइजर द्वारा यहाँ पर न खेल की भूमि छोड़ी गई है और न ही अन्य भूमि छोड़ी गई है। हमको कई कॉलोनियों में अभी हाल नर्मदा की पानी की टंकियां बनवाना है, तो वहाँ पर जमीन नहीं मिल रही, उस जमीन को देखकर हमको नर्मदा की पानी की टंकी बनाना। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर गुंडागिर्दी और असामाजिक तत्वों को सख्ती के साथ दबाए रखा है पिछले 10 वर्षों से, उसी को बरकरार रखें यही हमारा उद्देश्य रहेगा। उसी के साथ साथ जो हमारे रहवासी संघ है उन रहवासी संघों को हम और मजबूत करेंगे और तेजी के साथ काम करेंगे। भीतरघात कितना होगा, संतुष्ट है उससे? भारतीय जनता पार्टी में कोई भीतरघात नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ पर कोई भीतरघात की कोई गुंजाइश है ना, पूर्व में कभी भीतरघात हुआ ना अब होगा। एक सवाल है कि जिस तरह से कल रात का जो घटनाक्रम था पूरा कांग्रेस में, हमको हमारे सामने तो एक है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी क्या, और ये तो हमेशा कांग्रेस के साथ ये आपस में लड़ते हैं, और ये जो लोग लड़ रहे हैं इन्होंने ही सबने इकट्ठे होकर यहाँ पर संकल्प लिया था बड़ा गणपति पे एकजुट होकर कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम सब लोग संयुक्त होकर लड़ेंगे। अब उनका वो संकल्प कहाँ गया है, वो दिखावट है।